स्टूडेंट्स uh, पिछले uh, काफ़ी सारे मॉड्यूल्स में जब से हमने मशीन लर्निंग को डिस्कस किया हमने इसकी डिफ़रेंट जो टाइप्स उसके डिफरेंट मॉडल्स डिफरेंट थ्योरम्स वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की अब ये जब आपने एक मशीन लर्निंग का जो मॉडल है अगर आपने उसको डिप्लॉय करना है तो उसके लिए वट यू नीड इज़ आपको एक सिस्टम चाहिए होता है कि जिसके ऊपर आप ये कर सकें इवन के आपकी जो पाइथन की जो इन्वायरमेंट है सम टाइम इवन दैट इज़ नॉट इनफ क्योंकि आपको कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस इन्वायरमेंट में किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और आपका ऑडियंस कौन सा है आपके पास डाटा किस तरह का आता है अकॉर्डिंगली फिर यू हैव टू हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम और जो पूरा सिस्टम है उसको हम आपके साथ शेयर करेंगे थोड़ा सा कि उसके अंदर क्या कंपोनेंट हो सकते हैं और क्या क्या आपको उसके अंदर वर्ड जो डिफरेंट उसके करैक्ट्रिस्टिक हैं विच यू हैव टू टेक केयर मे बी नॉट यू एज डेटा साइंटिस्ट लेकिन जो आपके कोई चीफ आर्किटेक्ट है सोल्यूशन आर्किटेक्ट हैं सी आई ओ इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग इसलिए ज़रूरी है कि जब आपने कोई भी जो मॉडल है उसको इम्प्लीमेंट करना है तो यू शुड नो कि अंडरलाइन जो आपका सिस्टम है जो हार्डवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डेटा बेसिस हैं वो क्या है और किस किस तरह के हैं तो इसमें चार कंपोनेंट यहाँ पे आपको नज़र आएंगे एक तो सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर है ठीक है एल्गोरिजम और डेटा बेस इन्फ्रास्ट्रक्चर को मैंने रेड इसलिए किया है कि यू नीड नॉट यू नो फोकस मच ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर क्योंकि अब क्लाउड पे मोस्टली चीज़ें चल रही हैं तो जो एज ए डेटा साइंटिस्ट यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट वो अगेन जैसे मैंने कहा कि आपको एक आपका जो काम ज़्यादा होगा वो सॉफ्टवेयर लेवल पर है कि जब हमने अगेन डेटा पाइपलाइन आपने किस तरह से डिफाइन करनी है उसके कौन कौन से कंपोनेंट होंगे उसके अंदर फिर आपने जो डिफरेंट प्रोसेस हैं डेटा रेंगलिंग के वो कैसे आपने अप्लाई करने हैं एनरिचमेंट ट्रांसफॉर्मेशन ये चीज़ें क्योंकि ये चीज़ें बार बार आपने करनी है एंड यू विल बी डूइंग आपकी जो डेली लाइफ है एज ए डेटा साइंटिस्ट उसमें आप बार बार ये चीज़ें करेंगे तो वो उधर आपका फोकस क्योंकि जो एनवायरनमेंट है दैट इज़ वो मोस्टली आपकी स्टेबल होती है रादर स्टैटिक होती है उसमें चेंजेस बहुत कम आती हैं जी कभी कोई रैम बढ़वा लो या आप उसमें के अंदर कोई कंप्यूटर की कैपेसिटी बढ़ा लें बट अगेन दैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ डिफरेंट टीम सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट लेकिन आपको डेटा के बारे में यू हैव टू मेक श्योर आपको एल्गोरिदम्स या आपके जो मॉडल्स हैं वो आपको पता होना चाहिए यू नो तो दैट इज़ हो ये जो आपके लिए जब आप पूरे सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए जो एनवायरमेंट है आपकी मशीन लर्निंग की ये चीज़ें अंडरस्टैंड करना आपके लिए ज़रूरी हैं अच्छा फिर इसके अंदर दो तरीके हैं ना ये दो आप कह रहे दो स्टेप है इसके बाद भी स्टेप्स हैं लेकिन फिलहाल जो आपके लिए अंडरस्टैंड करना है कि जो, जो डाटा जहाँ से जनरेट हो रहा है जैसे मैंने कहा कि जो डाटा की वो जैसे अनोमली डिटेक्शन की हमने बात की दे सो मनी एग्जाम्पल्स नो फॉर अस टू टॉक अबाउट कि अगर आपकी अनोमली डिटेक्शन है तो वो भी ये जो समथिंग इज़ हैपनिंग राइट या मे बी यहाँ पे कोई मसला है यहाँ पे कोई मसला है कोई ना कोई तो गलती कर रहा है या कोई सिस्टम के अंदर कोई एरर आ गया कोई डाटा बेस क्रैश कर गया जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आपके पास आया उसके बाद फिर जब वो डाटा आपके पास आ जाता है फिर आप उसको ट्रेन करते हैं और फिर आप उसको वो वही ये भी एक आपका जो हमने वी हैव डिस्कस इट मैनी टाइम तो ये एक प्रोसेस है और इसके लिए आपके पास हो सकता है डिफरेंट सर्वर्स हों एक सर्वर के ऊपर डिफरेंट चीज़ें हों या डिफरेंट वर्चुअल सर्वर्स हों क्लाउड के ऊपर डिफरेंट इन्वायरमेंट्स हो सकती हैं बट ये एक इस तरह के एक आपका वो एरिया है जहाँ से डाटा आपके पास आ रहा है दूसरा वो है जब आपने डाटा को ट्रेन और टेस्ट करना है फिर आपकी जो प्रैक्टिकल जो है वो ये आपका जो रिकमेंडेशन इंजन है फर्ज करें कि जिसने ये बताना है कि जी अब आपने ये करना है या ये, ये आपने नहीं करना तो डेट इज़ हाउ इट वर्कस एक एग्जांपल और है आपके साथ इसमें बेसिकली ऑर्केस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा बताया है कि किस तरह से ये चीज़ काम करती है कि ये आपका क्योंकि मैंने आपको एक टेलीकॉम की एग्जांपल दी आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की एग्जांपल दी ये, जो इस तरह की और बेशुमार इग्ज़ैम्पल्स हैं जहाँ पे आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं तो बेसिकली होता है इसमें यह है कि ये गेट से आपके पास डाटा आता है ठीक है ये आपके लिए अंडरस्टैंड करना जरूरी कि जो ऑपरेशन का डाटा है जो सोर्स सिस्टम है वो एक डिफरेंट इन्वायरमेंट है आपकी मशीन लर्निंग की इन्वायरमेंट एक डिफरेंट चीज़ है और फिर हो सकता है यहाँ से डाटा दोबारा उसी डेटा बेस में जाए या उसी एप्लीकेशन के किसी क्योंकि रिकमेंडेशन इंजन जो है फर्ज करें हमने जो लास्ट स्लाइड में देखा रिकमेंडेशन इंजन ऑटोमेटिकली भी कुछ काम कर सकता है बट टू मच ऑटोमेशन माइट बी अ किलर फॉर योर प्रोजेक्ट या फिर वो जो एज ए डाटा साइंटिस्ट आपके पास जब रिकमेंडेशन आती हैं तो वो फिर कहीं ना कहीं तो आपने यूज़र को या डिसीजन मेकर को डिस्प्ले करवानी है तो उसके लिए हो सकता है फिर इसी एप्लीकेशन में या समवेयर हेयर वो कोई आपके पास विंडो अवेलेबल हो जहाँ पे आप उसको दैट विल बी अ डिफरेंट विंडो देन द डेटा साइंटिस्ट ठीक है ये आपका क्लाउड स्टोरेज है ये आपका प्रोजेक्ट का एडिशनल प्रोजेक्ट रिसोर्स का डाटा है अगेन ऑडिट लॉग है आपके पास क्वेरी लॉग्स हैं तो ये डिफरेंट तरह की सिचुएशन में जो आपके पास डिफरेंट बेसिकली आपका एक सब्जेक्ट है डेटा वेवरोजिंग का डेटा वेवरोजिंग एंड वे बिज़नेस इंटेलिजेंस उसमें आई एम sure श्योर कि ये चीज़ें बड़ी डिटेल से कवर होंगी तो आपको लेकिन ये जो नॉलेज इस वक्त मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये सिस्टम डिज़ाइन और उससे रिलेटेड है तो यू हैव टू बी जस्ट रिलैक्स और इसको सिर्फ एज़ अ टॉपिक जेन में रखें और ये आपकी वैसे भी जैसे मैंने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना आपने डिज़ाइन करना है होपफुली फ्यूचर में जब एन यू यू you नो know, जब आप अपना यू प्रमोट यूर सेल्फ इन द रैंस इन यूर ऑर्गनाइजेशन फिर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी बट नॉट ऐट दिस स्टेज एट दिस स्टेज ये सिर्फ आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसके लिए है कि सिस्टम जो होता है ओवरऑल आपका मशीन लर्निंग का वो किस तरह से काम करता है और उसको जो उसके मेजर कंपोनेंट्स हैं जो उसकी डिजाइनिंग के अंदर उसके जो कि मेजर कंपोनेंस हैं वो क्या होते हैं